ये कहानी है एक जादुई केतली की, जिसने पूरी दुनिया में फेमस कोको कोला को जन्म दिया। लोगों के मन में सवाल रहता है कि कैसे बना होगा कोको कोला, वह कौन सा फार्मूला था जिससे ये मज़ेदार ड्रिंक तैयार हुआ होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार ड्रिंक की कहानी। आज से लगभग 70 साल पहले एक बूढ़ा देहाती डॉक्टर शहर में आया। उसने अपना घोड़ा बांधा और धीमे से वह एक दवाई की दुकान में पिछले दरवाजे से घुस गया और वहां पर बैठा युवा ड्रग क्लर्क से चर्चा करने लगा। एक घंटे तक बूढ़ा डॉक्टर और क्लर्क धीमे धीमे बातें करते रहे। फिर डॉक्टर बाहर गया। वह अपनी बग्घी जो घोड़े के साथ चला करती थी उस समय के पास पहुंचा और उसने उसमें से एक बड़ी सी पुरानी केतली निकाली, एक बड़ा लकड़ी का पैडल भी जिसका प्रयोग केतली के सामान को हिलाने में किया जाता था, और उसने इन चीज़ों को स्टूर के पिछले हिस्से में रख दिया। क्लर्क ने केतली की जांच की, अपनी अंदर की जेब में हाथ डालकर नोट निकाले और डॉक्टर को दे दिए। क्लर्क ने डॉक्टर को कुल $500 दिए थे, जो उसकी पूरी बचत थी। डॉक्टर ने क्लर्क को एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिया जिस पर एक गोपनीय फार्मूला लिखा हुआ था। उस छोटे से कागज पर लिखे हुए शब्द किसी राजा के खजाने के बराबर कीमती थे, परंतु डॉक्टर के लिए नहीं, यह जादुई शब्द केतली का उबलना शुरू करने के लिए आवश्यक थे। परंतु ना तो डॉक्टर और ना ही क्लर्क यह जानते थे कि इस केतली में कितना अथाह धन बरसेगा। बूढ़ा डॉक्टर केतली को $500 में बेचकर बहुत खुश था। क्लर्क अपने पूरे जीवन की बचत को एक कागज के टुकड़े और एक पुरानी केतली के लिए दांव पर लगाकर बहुत बड़ा जोखिम ले रहा था। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके निवेश से केतली जब उबलेगी तो उसमें से पिघला हुआ सोना बहेगा, जो एक दिन अलादीन के चिराग के चमत्कारी प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ देगा। क्लर्क ने दरअसल जो खरीदा था वह एक विचार था, समझने की बात है। यहाँ पे पुरानी केतली और लकड़ी का पैडल और कागज पर लिखा हुआ एक गोपनीय संदेश तो साथ में मिले थे। केतली का चमत्कारी प्रदर्शन तब होना शुरू हुआ जब इसके नए मालिक ने गोपनीय निर्देशों के साथ एक ऐसा तत्व मिलाया जिसके बारे में डॉक्टर कुछ नहीं जानता था। सोच कर देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि वह क्या था जो उस युवक ने गोपनीय संदेश के साथ मिलाया था जिसकी वजह से केतली से सोना बरसने लगा। यहाँ पर आपको एक ऐसी वास्तविक कहानी बताई जा रही है जो कल्पना से भी अधिक हैरान करने वाली है, उन तथ्यों की कहानी जो एक विचार के रूप में प्रारंभ हुए। आइए हम सोने के उस विशाल ढेर की तरफ देखें जो इस विचार से उत्पन्न हुए। उसने बहुत धन कमाया और आज भी यह दुनिया भर में उन लोगों को बहुत धन कमा कर दे रहा है जो केतली की सामग्री को करोड़ों लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पुरानी केतली आज दुनिया में शक्कर के सबसे बड़े उपभोक्ताओं में से एक है और इस वजह से यह हजारों लोगों को गन्ना उगाने का, शक्कर बनाने का और शक्कर बेचने का रोजगार उपलब्ध करा रही है। पुरानी केतली हर साल करोड़ों कांच की बोतलों को काम में लेती है जिससे कांच का काम करने वाले बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है। पुरानी केतली पूरे देश में क्लर्कों, स्टेनोग्राफर्स, कॉपीराइटर्स और एडवर्टाइजिंग विशेषज्ञों की फौज को रोजगार देती है। इसने उन दर्जनों कलाकारों को दौलत और शोहरत दिलाई है जिन्होंने इस प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हुए बेहतरीन पिक्चर्स बनाई हैं। पुरानी केतली ने एक छोटे से दक्षिणी शहर को दक्षिण की बिजनेस राजधानी बना दिया, जहां यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शहर के हर बिजनेस और हर नागरिक को लाभ पहुंचाती है। इस विचार का प्रभाव अब दुनिया के हर सभ्य देश को लाभ पहुंचाता है और इसे छूने वाले हर आदमी को सोने की बहती हुई धारा में से हिस्सा मिलता है। केतली से बरसते सोने ने दक्षिण के एक प्रसिद्ध कॉलेज को बनाया, जहां हजारों युवक और युवतियां सफलता के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अगर पीतल की यह पुरानी केतली बोल सके तो यह हर रोमांचक कहानियां सुनाएगी। प्रेम का रोमांस, बिजनेस का रोमांस, प्रोफेशनल पुरुषों और महिलाओं का रोमांस जो इसके द्वारा प्रतिदिन प्रेरित होते हैं। लेखक कम से कम एक ऐसे रोमांस के बारे में पूरी तरह से अस्वस्थ है
क्योंकि वह इसका एक हिस्सा रहा है और यह उस स्थान से ज़्यादा दूर शुरू नहीं हुआ था जहाँ ड्रग क्लर्क ने पुरानी केतली खरीदी थी। यहाँ पर लेखक अपनी पत्नी से मिला था और उसी ने लेखक को इस जादुई केतली के बारे में पहली बार बताया था। उस समय भी वे इस केतली में उबलने वाली सामान ही पी रहे थे जब लेखक ने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आप कोई भी हो, आप कहीं भी रहते हो, आप कोई भी काम करते हो, भविष्य में इतना याद रखें कि जब आप कोको कोला शब्द सुने तो आप यह याद कर लें कि दौलत और प्रभाव का यह साम्राज्य एक विचार से शुरू हुआ था और ड्रग क्लर्क आशा कैंडलर ने उस गोपनीय फार्मूले के साथ जो रहस्यमय तत्व मिलाया था वह था कल्पना। ऐसे ही रोचक और मोटिवेटेड से भरी हुई कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।